करते हैं एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट सेवन से क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट के अंदर कह रहा है इफ़ द्रेंगल ए बी सी इन क्वेश्चन सेवन अब इज रिवॉल्व अबाउट साइड फाइव सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑपटेंड फाइंड ऑल्सो देश ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड ऑप्टेंड इन क्वेश्चन सेवन एंड एट तो इस क्वेश्चन को समझते हैं डायग्राम के थ्रू तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर सेवन और एट में एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ तो इस बार जो क्वेश्चन नंबर के अंदर कह रहा है कि ए जो है कि जो वो सेंटीमीटर लेना है मतलब जो ये हाइट है ये फाइव सेंटीमीटर होना चाहिए और इसी के अलोंग में हम इस पेपर को फोल्ड कर रहे हैं हाइपोटिन्यूज के इधर से जैसे ये थर्टीन सेंटीमीटर हाइपोटिन्यूज है तो इसको हम फोल्ड करेंगे हाइट फाइव सेंटीमीटर के अलोंग में तो इसीलिए यहां पर जो सॉलिड हमको मिलेगा उसमें जो हाइट है क्योंकि इसके लॉन्ग में रिवॉल्व हो रहा है तो हमें जो हाइट है वो फाइव सेंटीमीटर रखना है तो सिंस ये बात हम यहाँ पर पहले लिखना पड़ेगा हमको सिंस जो राइट uh, ट्राइंगल right है इज रिवॉल्व अबाउट फाइव सेंटीमीटर देयर फोर जो हाइट है ये फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा और जो रेडियस है ये हो जाएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर और जो स्लांट हाइट है एल ये हो जाएगा थर्टीन सेंटीमीटर तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ कोन सो ऑपटेंड सो ऑपटेंड इज इक्वल टू वन बाय थ्री पाईआर स्क्वायर एच तो वन बाय थ्री पाई की वैल्यू हम एज इट इज़ रहने देंगे और जो रेडियस है ये है ट्वेल्व का स्क्वायर मतलब ट्वेल्व को हमें दो बार लिखना है और जो हाइट है यहाँ पर यह है फाइव सेंटीमीटर तो यहाँ पर थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व हो जाएगा और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ट्वेल्व फाइव ज़ा सिक्सटी फोर ज़ा टू फोर्टी तो ये हो जाएगा टू फोर्टी और जो पाई है हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे तो टू फोर्टी पाई क्यूबिक सेंटीमीटर अब यहां पे हमें इसका रेशियो निकालना है जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो हमको अभी मिला है और क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर जो वॉल्यूम मिला था उसको भी हमें सॉल्व करना है मतलब उसका रेशियो निकालना है वॉल्यूम का तो देअर फोर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन ऑप्टेंड इन क्वेश्चन सेवन टू दी वॉल्यूम ऑफ कोन ऑप्टेंड इन क्वेश्चन एट इज इक्वल टू तो सबसे ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कौन ऑप्टेंड इन क्वेश्चन सेवन अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन ऑप्टेंड इन क्वेश्चन एट तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर जो हमने ऑप्टेन किया था उसको हम एक बार देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर जो वॉल्यूम हमको मिला है यहाँ पर ये है हंड्रेड पाई क्यूबिक सेंटीमीटर और इसी को हम क्वेश्चन नंबर एट में यूज़ करेंगे तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन के अंदर जो हमारा वॉल्यूम आया था ये है हंड्रेड पाई और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर एट के अंदर जो वॉल्यूम हमको मिला है ये है टू फोर्टी पाई टू फोर्टी पाई तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं जीरो से ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं और टेन और ट्वेंटी फोर को हम टू से कट कर सकते हैं तो टू फाइव जै टेन और ट्वेल्व टू जर ट्वेंटी फोर तो ये आ जाएगा फाइव बाई ट्वेल्व और इसको हम लिख सकते हैं फाइव रेशो ट्वेल्व तो इस तरीके से जो ये रेशो हमको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द कोन ऑप्टन इन सेवन टू द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑप्टन इन क्वेश्चन नंबर एट ये आ जाएगा फाइव इज टू ट्वेल्व तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर एट है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं